खबर जनपद उधमसिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए फायर विभाग द्वारा अस्पताल, रेस्टोरेंट समेत गोदाम प्लांटों पर फायर आउट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत फायर की एनओसी और उपकरण पूरे न होने पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि विभाग द्वारा पिछले 6 महीने में अब तक कुल 100 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा चुकी है। इसी को लेकर जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने बताया कि विभाग द्वारा फायर ऑडिट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं फायर ऑडिट के दौरान संबंधित के पास फायर एनओसी है या नहीं, इस विषय की पुख्ता से जांच की जा रही है। साथ ही जिनके पास फायर इक्विपमेंट नहीं है, उनके खिलाफ नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आता है तो तीसरी बार में एसडीएम और प्रशासन को अवगत कराया जाएगा कि विभाग अपनी विभागीय कार्यवाही करे। रुद्रपुर से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। इंस्पेक्शन चल रहा है, हम हर तरह की ऑक्यूपेंसी का ऑडिट कर रहे हैं। फायर ऑडिट के दौरान हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके पास फायर एनओसी है कि नहीं है, दूसरा उनके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उनकी फैसिलिटी पे लगे हुए हैं कि नहीं, जिनके यहाँ मिलते हैं उनको ठीक है उनको हम सैनिटाइज कर रहे हैं, जिनके यहाँ पे नहीं उनको हम नोटिस दे रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक तकरीबन हमने 100 के ऊपर नोटिस दे दिए और अभी तक बहुत सारी ऐसी थे, क्योंकि जो हमारा ऑडिट का जो शेड्यूल है वो हम रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं कि जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, गोडाउन भी हैं, कबाड़ के गोदाम भी हैं, तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था और हमने पिछले हफ्ते ही सेकेंड रिमाइंडर भेजा है और अगर उसके बाद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आता या ये भी कन्फर्म नहीं होता है कि उनके पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर कोई फायर की व्यवस्था नहीं करेंगे वो, तो फिर हम नेक्स्ट जो तीसरा रिमाइंडर भेजेंगे उसमें हम सीधे एसडीएम साहब को कॉपी करेंगे और प्रशासन को भी हम अपने साथ लेके आएंगे कि वो एक्शन लें ताकि वो ओनर को भी बुलाएं, फायर वालों को भी बुलाएं और वहां पे एक बेंच पे बैठ के ये फैसला हो कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे निकला जाए।